हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चतरखा निवासी रामविलास, उसके भाई कौशल, परिवार के ही पिंटू और संजू ने अपने मकानों के बाहर गांव के दबंगों से त्रस्त होकर मकान बेचने का पोस्टर लगा दिया। रामविलास की पत्नी राजेश्वरी के मुताबिक 14 अक्टूबर को गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने उसे, उसके पति रामविलास और ससुर राम भजन को गाली गलौज कर जान माल की धमकी देते हुए लाठी डंडे व सरिये से मारपीट कर घायल कर दिया। आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे मारपीट करने वालों के हौसले बुलंद है। अब दबंग लोग चारों परिवार के लोगों को जान माल की धमकी दे रहे हैं। पुलिस से मदद न मिलने पर चारों ने अपने मकान बेचकर पलायन करने का फैसला किया है। हम लोग हैं उन्हीं के मारे गन्ने की बैनर लगाए हैं और बेचने की वो कर रहे हैं। अपने पता नहीं कहाँ रहें, जहाँ जाके वो जहाँ जगह मिलेगी तहाँ रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। की सरकार है तभी ठाकुर लोग दबंगई कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, माँ बहन को गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि रहने नहीं देंगे, तमंचा ले ले गांव में घूम रहे। लोग देखते हैं तब बताते हैं हमको, डंडे और तमंचे लेके घूम रहे लड़के उनके। पुलिस से शिकायत हुई, पुलिस सुन नहीं रही। पुलिस तो कहती है टेबलेट खा के वहाँ जाकर ठीक हो जाएंगे, वो जाओ देखे सुनेंगे, आती नहीं पुलिस। वहाँ तो पैसे खाए है ठाकुर पुलिस। वैसे तो सरकार का कहना है सूबे में गुंडा राज पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है और अब जो भी गुंडई या दबंगई दिखाएगा वह सीधे सलाखों के पीछे होगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो आज भी अपनी दबंगई के चलते लोगों के साथ मारपीट करते हैं, उन्हें गालियां देते, और जब वही पीड़ित पुलिस के पास जाते हैं तो या तो उन्हें थाने से चलता किया जाता है या फिर उल्टा उन्हीं ही पुलिसिया रंग दिखाया जाता है। अब ऐसे में पीड़ित कहां न्याय के लिए जाए और किसे अपना दर्द सुनाए। हालांकि इस मामले में प्रभारी निरीक्षक राघवन कुमार सिंह ने घटना की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। चलिए हम उसे देख लेंगे, बाप ने भाई संज्ञान में ला दिया है और उसकी हम करा देंगे जांच। उसकी दूसरा ये है कि वैसे जो भी एससी के मामले आते हैं उसमें भी हमारी सरकार ने एक व्यवस्था सुनिश्चित ये की है कि लगभग हमारा सीईओ स्तर का, क्षेत्र अधिकारी स्तर का व्यक्ति जांच करता है। तो ऐसा हम मानते हैं कि भाई गजिस्ट्रेट ऑफिसर होता है और गजिस्ट्रेट ऑफिसर होगा, जो भी अधिकारी होगा वो न्याय की बात भी करेगा, ईमानदारी की बात करेगा, और जो बार बार लोग उल्टा सीधा आरोप लगाते हैं वो ऐसे अधिकारी पर आरोप भी नहीं लगेगा। अब मैं दिखवा लूँगा कहाँ पर क्यों मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, JMD खबर।